बोल जय बाबा की। तो हाय दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो तुम्हारे लिए ना एक ज़बरदस्त धमाकेदार ये वीडियो होने वाली है। किसी भाई पे पैसे हैं या नहीं हैं, भाई काम कर सकता है, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर तुम्हें दे रहा है फ्री, और जॉब भी, कितने घंटे की जॉब है, कितनी सैलरी है, क्या होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है, सारी इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। वीडियो में बने रही है और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसा लुक है स्कूटी का। थोड़ा कलर चेंज है, सिक्योरिटी कोई नहीं लगने वाली है। और पूछ लेते हैं भाई से क्या है, कैसे, कहाँ मिल रही है, कैसे मिल रही है, और कितने का भाई काम कर रहा है, कैसे सैलरी मिलती है, कैसे नहीं मिलती है। बट लाइसेंस होना चाहिए इसके लिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ वीडियो में, लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस पे ये स्कूटी मिलेगी, लाइसेंस पे कंपनी ये स्कूटी दे रही है। चलिए पूछ लेते हैं। तो हाय भाई, कैसे हो? बस भाई, ये भाई मेरे को मिला था और मैंने कि चलो भाई क्या है, कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं। तो इसका ना महीने में पेमेंट आता है टी ब्लॉक, हाँ। तो TLF टी ब्लॉक में सेक्टर 24 में मिल रही है, नत्थूपुर में। DLF फेज 3 में। तो भाई जी मेरे को बताओ है कि जैसे बंदा कोई इसमें काम करना चाहता है तो वो कैसे ज्वाइन होगा, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे क्या है? देखो, ज्वाइनिंग के लिए तो वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ों में तो पैसे लगते हैं। आप ID बनवाओ, इतने पैसे लगेंगे ID में। बट इसमें ऐसा कुछ पैसे का कुछ वो नहीं है। इसकी आपको स्कूटी फ्री है, अच्छा, चार्जिंग फ्री है, अच्छा, सैलरी 16,000 रुपये है, 9 घंटे की शिफ्ट है, 4 ऑफ है संडे की। हाँ। अगर आप संडे को काम करना चाहते हो, संडे का आप जो भी अर्निंग कर रहे हो, 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये, हाँ। उसका आपका 50% कंपनी लेगी। हाँ। और 50% आपको देगी। तो सुना दोस्तों, ये कंपनी बिल्कुल है, किसी भाई पे पैसे नहीं है तो लग सकता है। खाली डॉक्यूमेंट में भाई क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट में इसका चाहिए DL, हाँ, पैन कार्ड, हाँ, आधार कार्ड, हाँ, और बैंक डिटेल। बैंक डिटेल और जिस कुछ नहीं लगना है इसमें, ना आपका 1 रुपये लगेगा। हाँ। सब कुछ फ्री है। सब कुछ फ्री है, मतलब आ सकता है बंदा, खाली डॉक्यूमेंट लेके नहीं है, कंपनी में ज्वाइन हो सकता है। डॉक्यूमेंट लेके आओ, आपको ज्वाइनिंग में करवाऊंगा भाई। ज्वाइनिंग करवा, पैसे नहीं है, काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। 16,000 भाई सैलरी बता रहा है। और ये भी पूछ ले क्या घंटे काम है, क्या घंटे ऑनलाइन रहना है, कितनी राइड मारनी है, भाई बता दे थोड़ा है कि कितनी राइड है और क्या है जी। राइड का तो इसमें ऐसा है कि आपको 9 घंटे की शिफ्ट है तो आपको 8.5 घंटा कम से कम लोग रहना पड़ेगा। अच्छा। आपका जो भी राइड आती है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, जो मतलब राइड आती है। हाँ। वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हाँ। आपको और काम करना, मतलब कि अगर 1,000 रुपये से प्लस अर्निंग करते हो, हाँ, तो 1,000 रुपये से प्लस जो भी काम करोगे आप, हाँ, उसकी 50% आपका और 50% कंपनी का। अच्छा। अगर ये आप 1,000 रुपये से काम करते हो तब, तो 1,000 रुपये से जैसे भाई काम करता है तो 50% कंपनी का है, 50% खुद का है। और इसमें कोई छुट्टी वगैरह वगैरह भी मिलती। हाँ, है जैसे इसमें संडे की जैसे ऑफ रहती है, संडे का ऑफ रहता है। हाँ, अगर संडे के दिन भी आप काम करना चाहते हो। हाँ, तो आप जो भी अर्निंग होगी आपकी संडे की, हाँ, उसमें 50% कंपनी लेगी। हाँ, और 50% आपकी रहेगी इसमें अर्निंग। अच्छा, तो इसका जो चार्जिंग है वो कैसे? और ये स्कूटी एक बार फुल चार्ज करने के बाद चलती है 124 किलोमीटर टोटल। 124 किलोमीटर जी फुल चार्ज करने पे। फुल चार्ज करने तो पे। आप चार्ज करते हो या कंपनी देती है चार्ज? कंपनी चार्ज करती है। आपको जब शिफ्ट होगी, स्टार्ट होगी शिफ्ट, हाँ, शिफ्ट के टाइम पे आप इसको लेके आओ। हाँ। और शिफ्ट खत्म होने वाले फिर आके जमा कर दो, कंपनी। हाँ। वाले आपको चार्ज वार्ज करके सब देंगे सुबह। तो हम मान के चलो कोई बंदा बाहर रहता है या रूम लेके नहीं रह रहा है तो फिर वहीं जाना पड़ेगा इसके हफ्ते सुबह। हाँ, सुबह पे हफ पे जाओ और फिर वहाँ से लो, अपना काम करो, और फिर जब शिफ्ट खत्म हो जाएगी आपकी, अब स्कूटी जाके जमा कर दो। अच्छा, जब शिफ्ट खत्म हो जाए तो वहीं चार्ज। अच्छा, वो चार्जिंग चार्ज के लिए। तो गाइस भाई, अपने रूम पे कोई झंझट नहीं है, आपको पसंद आए तो भाई कर सकता है। किसी भाई के पास पैसे हैं या नहीं है, सैलरी बेस पे काम है, तो इसमें यही है सिस्टम है कि आपको चार्जिंग का कोई झंझट नहीं है। आप वहीं जा करके आप रूम लेके नहीं रह सकते हो बराबर में, बतेरे सारे रूम लेते हैं, जो काम करेगा तो वो बराबर में भी रहेगा। नहीं है, पावर बैंक भी दे रही है, सब कुछ दे रहा है, पावर बैकअप सब दे रही है कंपनी। पावर बैकअप और 110 किलोमीटर टेंशन खत्म है भाई। और 8-9 अगर डेट जाती है, अगर बैटरी खत्म हो जाती है तो कोई इशू नहीं है, आप जाओ दोबारा दूसरी स्कूटी लेके आ जाओ। अच्छा, स्कूटी की डेट भी हो जाती है तो तुरंत हैंड टू हैंड दूसरी स्कूटी मिलेगी, कंपनी देगी। तो क्या बात है भाई, अगर कोई बंदा काम करना चाहता है भाई, मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ, मैं बस यही खोजता रहता हूँ, मैं कहें कि कौन सी स्कूटी क्या
होने वाली है, क्या वर्क चल रहा है क्या नहीं है, किसी भाई पे पैसे नहीं है क्या, सिक्योरिटी दो पहले कंपनी को 5,000 रुपये, फिर स्कूटी लो, फिर काम स्टार्ट करो। अरे भाई आधार कार्ड पैन कार्ड लाओ, लाइसेंस लाओ और काम अपना स्टार्ट करो। भाई कोई जॉब मिले जो बंदा पैसे नहीं जाए, किसी भाई के पास पैसे हैं किसी के पास नहीं है, सिक्योरिटी मारी जाती है, दिक्कत होती है, कोई खा जाता है, कोई सिक्योरिटी कोई वापस नहीं देता है, हकीकत बता रहा हूँ। लेने के बाद गाड़ी में ये दिक्कत हो गई है, ये टूट गया है, वो दे गया है, कोई सिक्योरिटी वापस नहीं देता है, सब सिक्योरिटी नहीं है, सब मुफ्त है। बस अब काम करो, बस इसमें काम करो, और चार छुट्टी भी दे रही है। 16,000 रुपये भाई कर सकता है बंदा काम, अगर किसी भाई को चाहिए तो वो कर सकता है। नंबर मैं डालूंगा वीडियो पे, कॉन्टैक्ट नंबर भी डालूंगा, कंपनी से डायरेक्ट ले सकता है इस स्कूटी को भाई, आप देख लो। और कुछ कंडीशन ऐसे सही लग रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भाई टूट बाट अगर कोई दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत नहीं, कंपनी है। हाँ तो, अगर कहीं आप कोई इशू होता है, कुछ बात हो जाती है, हाँ कंपनी से तुरंत ही सपोर्ट मिलेगा आपको। अच्छा, कंपनी से सपोर्ट मिलेगा। हाँ, कोई मतलब जैसे कोई जैसे कि बाय चांस कहीं एक्सीडेंट हो जाए, हाँ भी हो जाए, हाँ कंपनी को कॉल करो, कंपनी से बंदे तुरंत आएंगे आपको पिकअप करने के लिए। अच्छा, हाँ तो तुम्हारे उस सैलरी में से कुछ पैसा वैसा तो नहीं कटेगा? कुछ नहीं है। तो भाई पैसे भी नहीं कटेंगे, 16,000 रुपये सैलरी है भाई दे रहा। किसी को भाई को पसंद है तो वो वर्क आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, जीरो। बस कागज ले गया, डॉक्यूमेंट ले गया, गाड़ी लो और काम स्टार्ट करो। हाथों हाथ भाई बोल रहा है कि गाड़ी मिलेगी, बट इसमें यह है कि शाम को तुम्हें जमा वहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि चार्ज होती है स्कूटी चार्जिंग के लिए। ये भी नहीं है तुम्हें चार्जिंग का पैसा देना है या कितना नहीं है भाई, अगर गाड़ी चार्ज होती है तो कम से कम नहीं तो 4 या 5 यूनिट लेती है, ये लेती है नहीं लेती है, 5 कम से कम 5 यूनिट लेती है, 50 रुपये का हो गया आपका। तो एक बार चार्ज होती है या मतलब ये एक बार चार्ज होती है, मतलब एक ही बार में 8-9 घंटे निकाल देती है। हाँ तो क्या है यार, आप शाम को जाओ स्कूटी खड़ी कर दो, सुबह आपको फुल चार्ज मिलेगी। हाँ तो फुल चार्ज करके कंपनी दे रही है भाई, चार्जिंग का भी झंझट नहीं है। और जैसे कि मान के चलो कोई भाई काम करता है तो बराबर में रूम ले सकता है, इसके हाँ एक ही है के और भी कहीं हैं अलग अलग? नहीं, अभी तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ सेक्टर 24 में ही है, अभी और खुलने वाले हैं। अच्छा, सेक्टर 24 में ही है, अभी फ़िलहाल एक ही है। अच्छा, तो भाई अभी हब एक ही है तो पास में ले सकता है, 1 किलो या 1.5 किलोमीटर की दे बतेरे रूम मिल जाएंगे। और आपको अगर रूम की वीडियो चाहिए तो कोई सस्ते लेने या कुछ है तो मैं डाल दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भाई को जानकारी नहीं है तो वो भी हो सकता है। देखो सिक्योरिटी में मैं बता रहा हूँ कि भाई सिक्योरिटी 3,000, 4,000, 5,000 बंदा ले लेता है ना, तो कोई भी सिक्योरिटी वापस नहीं करता है, 1 रुपया बंदे को किसी को नहीं मिलता है किसी सिक्योरिटी का। तो आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो ये ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी भाई नई आ चुकी है और नई तुम्हारे लिए जॉब है। और ऐसी मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ, और कोई और नई वीडियो के साथ मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दिया करो यार, मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ और यही ढूंढता रहता हूँ कि भाई कोई नई चीज़ मिले, मैं इसी ऊपर वीडियो बनाता हूँ, फालतू की बकवास नहीं डालता हूँ कि आज ये कर दिया आज वो कर दिया, वो चीज़ नहीं है भाई। चार लोग काम हो, चार लोग घर चले बस। तो भाई काम कर रहा है और नंबर तुम्हें मिल ही जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल दूंगा, और हो सकता है कि इसके कंपनी के हब पर भी जाएँ, बात करें उससे कि भाई कैसे कैसे नहीं है, तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा तुम्हारे लिए, तो वो काम कर सकता है। क्योंकि किसी भाई के पास 4,000, 5,000 होते हैं या नहीं होते हैं, 10 दिन काम करोगे सिक्योरिटी वापस करता नहीं है कोई, रख लेते हैं सिक्योरिटी को, तो भाई ये चीज़ मेरे को भी अच्छी नहीं लगती है कि बंदा वहाँ से आया 5,000 भी लॉस हो गया और वो काम भी नहीं हो पाता। कम से कम इसमें करेगा 16,000, पसंद आ रहा है तो करे भाई। इसकी सैलरी कब आती है मेरे को एक बार और ये और बता दो। सैलरी भाई आपको 1 तारीख को मिल जाएगी, चाहे आप 2 दिन काम करो चाहे आप 4 दिन काम करो। अच्छा, 1 तारीख को सैलरी मिल जाएगी, चाहे 1 तारीख मिल जाएगी 1 तारीख को मिल जाएगी। तो भाई 1 महीने काम करो और 1 तारीख को भाई आज ही भाई की सैलरी आई है, भाई ने मेरे को दिखाया, एक बार दिखा दो है, आज कहता है 2 अक्टूबर है बट कल ही भाई की सैलरी आ गई है, भाई ने दिखाया कि भाई 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है, चार छुट्टी भी मिलती है, टेंशन ख़त्म है, 8 से 9 घंटे ड्यूटी है और 16,000 रुपये सैलरी है। और इससे मतलब एक बात बताओ, अगर बंदा आगे और करना चाहता है 8-9 घंटे से 12 घंटे 13 घंटे तो उसका पैसा देगी कंपनी? अब मैं कह तो रहा हूँ आप
1000 रुपये से पर काम कर दो। अच्छा तो 50% उसका 50 कंपनी का है। हाँ तो भाई ये भी है कि ओवर टाइम भी कर सकते हो, 20-25 हज़ार भी कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी उसका भी तुम्हें पैसा देगी, कोई टेंशन नहीं है। और सबसे बेस्ट ये लगी कि भाई का 1 तारीख को ही आ जाता है, 1 तारीख को ही आता है। भाई कितने दिन और हो गए तुम्हें काम करते हुए? ये मेरे को हो गया 1 मंथ हो गया है। 1 मंथ हो गया, मैं सैलरी आ गई। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। फैमिली सा लगता है सर वहाँ पे। अच्छा फैमिली सा लगता है। सीनियर है वो हाँ? बिल्कुल अच्छे से बिहेव करते, फैमिली की तरह समझाते भी है। कुछ गलती भी होती है हाँ? तो समझाते कि नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है। कुछ भी इशू होता है हम अपने सीनियर से बिना डरे बिना जिसके डायरेक्ट फोन मिला सकते हैं। अच्छा सपोर्ट मिलता है वहाँ से। चलो और बढ़िया बात है भाई। और ये देखो सैलरी की, देखो दस सैलरी तो मैं दिखा देता हूँ भाई की। कल ली आई है, एक डेट देख लो, 1/10/2024। और ये गुलशन सिंह चेक से आती है क्या? हाँ तो भाई चेक से सैलरी आती है। भाई के पास फोटो भी आ चुका है, ठीक है। और मैं जेन्युइन वीडियो बनाता हूँ। पहले एक महीने आप काम करके नहीं है, देखो कंपनी के साथ कैसा कंपनी बी एफ कर रही है, कैसा नहीं कर रही है, तो उससे तुम्हें जानकारी मिलेगी। है काम कोई बंदा भाई नया करना चाह